हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा पे। और मध्य प्रदेश के किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एमपी जीके का वेटेज बहुत कम हो चुका है। चाहे वो आबकारी परीक्षा रही हो या जो अभी एमपी पटवारी एग्ज़ाम चल रही है, जिनके एग्ज़ाम हो गए उन्होंने भी देखा होगा 5 से 6 मार्क्स की एमपी जीके आई थी, या किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी एमपी जीके नहीं आ रही है। वहीं आने वाले टाइम पर जो परीक्षाएँ हैं वो भी लगभग ऐसी ही होने वाली हैं। तो अगर आप लोग अभी से फिक्स सिलेबस की मांग नहीं करते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाए कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा। और जब इससे संबंधित कंपनी जो कि मध्य प्रदेश परीक्षा को आयोजित करती है उससे सवाल किया गया, तो उनका भी एक बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब सामने निकल कर आया। चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। आज का ही न्यूज़पेपर है ये 2 अप्रैल का, और इसमें क्या बोला गया है कि अन्य राज्यों में 25% सवाल लगभग उनके जीके से पूछा जाता है, उनके राज्य के जीके से पूछा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में एमपी ही गायब कर दिया गया है। इसमें वही बताया गया है कि आबकारी परीक्षा में बिल्कुल एमपी जीके नहीं आई थी, किसी किसी शिफ्ट में 1-2 नंबर के आ गया, वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिलता है ऐसी परीक्षा में फ़ायदा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका रीज़न क्लियरली मेंशन है, क्योंकि यूपी, राजस्थान और जो भी छत्तीसगढ़ अन्य राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थी भी जीके पढ़ते हैं, और एमपी जीके के कारण क्या होता है कि मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी उनको फ़ायदा होता है, उसमें उनको ज़्यादा रोज़गार मिलता है, लेकिन जब जीके ही पूछा जाएगा तो उसमें अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका और हम में सेम कंपटीशन हो जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बेरोज़गारी और बढ़ेगी। वहीं अगर हम बात करें, देखिए क्या बोल रहे हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उन अभ्यर्थियों की बात अगर हम सुनें तो 20 प्रश्न में एक ही मध्य प्रदेश से संबंधित था, ठीक है। वहीं 200 में से 2 सवाल ही मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। ये सब एमपी पटवारी एग्जाम की बात हो रही है, लेकिन 2 परीक्षा हुई, 300 प्रश्न मध्य प्रदेश का एक भी नहीं। ये आबकारी और एमपी पटवारी दोनों एग्जामों के बारे में बात कर रहे हैं कि 100 मार्क्स का आबकारी एग्जाम हुआ था और 200 मार्क्स का पटवारी एग्जाम हुआ, लेकिन इसमें एक भी एमपी जीके के सवाल इनको नहीं मिले, ठीक है। तो जब इसके बारे में सवाल किया गया जो परीक्षा आयोजित कर रही है उनके संचालक महोदय से, तो उन्होंने क्या कहा कि परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के प्रश्न ही पूछे जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये महाशय एमपी का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रश्न इनको नहीं पूछना है, क्योंकि उसके लिए अलग से इनको क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, इनको मेहनत होगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या कहना है इनका कि कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के लिए सिलेबस पहले से तय होता है, इसी के हिसाब से हम परीक्षाएं लेते हैं। सिलेबस में जितने भाग होते हैं प्रश्नों को उसी के हिसाब से बराबर बांट दिया जाता है। अच्छा, प्रश्न कब बांटे गए, किस भाग में, वो आप सब देख रहे हैं पटवारी एग्जाम में, ठीक है। और सिलेबस फिक्स है कि नहीं जिसके बारे में ये बोल रहे हैं वो भी आप सब देख रहे हैं। प्रश्नों को उसी के हिसाब से बराबर बांट दिया जाता है, ताकि कोई भी यह ना कह सके कि किसी भाग में प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा थी, और आप सब देख रहे हैं कि किस भाग में प्रश्न की संख्या ज़्यादा थी या कम थी पटवारी एग्जाम में। सामान्य ज्ञान वाले भाग में जितने प्रश्न तय होते हैं उतने ही पूछे जाते हैं। यह प्रश्न मध्य प्रदेश के हों यह जरूरी नहीं, प्रश्न किसी भी राज्य से संबंधित हो सकते हैं। दूसरे राज्यों में क्या होता है या दूसरे परीक्षाएँ कराने वाली संस्था की क्या व्यवस्था है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर अभी भी आप लोग अलर्ट नहीं हुए तो इस तरीके के बयान के बाद भी देखिए, पेपर हो रहा है, सब देख रहे हैं कि कभी मैथ के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, कभी रीजनिंग के आ रहे हैं, कभी इंग्लिश के कम आ रहे हैं, कभी साइंस के ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद फिक्स सिलेबस नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर अगर आप लोग अभी बात नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा लॉस आप लोगों को होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और सभी को आगे आने के लिए बोलिए कि इनके ख़िलाफ़ में कि इस तरीके से पेपर का एक सिलेबस पैटर्न होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसका फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए कि किस पैटर्न से, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोज हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।